मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के गांधी सेवा निकेतन में कुछ बच्चों ने टीचर की पिटाई कर दी है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कहा जाता है कि गुरु और शिष्य के बीच एक अटूट रिश्ता होता है, मगर यहां इन छात्रों ने शिक्षिका की जमकर पिटाई कर दी है। गांधी सेवा निकेतन के छात्रों ने टीचर ममता दुबे पर हमला किया है, जो संस्था में बाल कल्याण अधिकारी के रूप में भी तैनात है। वहीं शिक्षिका प्रबंधक पर भी आरोप लगा रही है। शिक्षिका का कहना है कि प्रबंधक के इशारे पर ही छात्र उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। आज तो हम दो दिन इसी वजह से हम घबराकर दो दिन अपने गांधी सेवा निकेतन नहीं गए। जब आज हम फिर से वहां पे ड्यूटी ज्वाइन करने गए तो बच्चों ने हमारे पास आकर हमारा बैग फेंका। उसके बाद हमने कहा बच्चों ये सब ठीक नहीं है, तो एक लड़के ने उठकर हमको थप्पड़ मारा, तीन चार थप्पड़ मारे, जिसका नाम समीर है। और उसने कुर्सी उठा, उसकी उम्र लगभग 16 साल होगी, उसने कुर्सी उठाकर हमको तीन चार कुर्सी हमारे सर पे मारी, हमारे हाथ में मारा और तीन चार थप्पड़ हमको मारे, जहाँ से घबराकर अपने घर चले आए हैं। आए दिन मुझे बच्चों से परेशान कराया जाता है। प्रबंधक जी द्वारा कहा जाता है कि बच्चों की जो मर्जी हो वो करें, उनकी मर्जी है। और बच्चे आए दिन मुझे गालियां देते रहते हैं। और बच्चों ने हमको 7/11/2019 को 2:30 बजे के करीब बाथरूम में बंद कर दिया था। बाथरूम करने गए थे और वहाँ पे सारे कर्मचारी खड़े होकर देख रहे थे, जिसमें हमने जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो दरवाज़ा बाथरूम का खोला गया। और बाहर निकल कर हमने अपने श्री अधीक्षक जी प्रभा शर्मा जी से कहा कि बच्चों को समझाइए, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, प्रबंधक जी ने कह रखा है कि बच्चों की जो मर्जी हो वो करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।